गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन, विधायक सुभाष पासी के पुत्र राहुल के द्वारा हुआ संपन्न। गाजीपुर सैदपुर विधायक सुभाष पासी अपने निधि से बने ऑक्सीजन प्लांट जिसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए है का उद्घाटन शनिवार को विधायक पुत्र राहुल पासी ने किया। ऑक्सीजन प्लांट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर के अंदर बनाया गया है। उद्घाटन होने से 30 बेड पर ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। कठिन परिस्थितियों से निपटने में कोविड के मरीजों को आसानी होगी व स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर के चिकित्सा अधीक्षक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि 30 बेड को ऑक्सीजन की सुविधा मिल गई है, जिसमें से 16 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए रखे गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट की वजह से सिलेंडर की निर्भरता खत्म हो गई है। प्लांट का उद्घाटन विधायक के पुत्र राहुल पासी ने किया है। तीसरी लहर की तैयारियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच और वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मरीज आने शुरू हो गए हैं। 2 पॉजिटिव कल व 2 आज निकले हैं। उनके घर पे टीम गई है और घर वालों के सभी सदस्यों को जांच की गई है व अगल बगल के 50 घरों में सर्वे किया गया है। सुरक्षा के नाम पर उन्होंने 2 गज दूरी मास्क है जरूरी बताया। वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि आशु दुबे ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। जब कोरोना महामारी चल रही थी तब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। जनता की मांग थी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। जैसे ही विधायक सुभाष पासी के पास खबर पहुंची, विधायक ने भी से 60 लाख देकर ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। उसके लगने से पूरे प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी व धन उगाही का काम जो गरीब जनता से होता था अब नहीं होगा। यहां के डॉक्टर अच्छे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। जो गरीब जनता पैसे के अभाव में मर जाती थी, ऑक्सीजन नहीं लगा पाती थी, उसे मरना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर डॉक्टर प्रकाश पांडे, अखिलेश यादव, अविनाश चंद बरनवाल, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमन कुमलापुरी, विकास बरनवाल, नवीन अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। हमारे हॉस्पिटल के 30 बेड को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। 30 बेड पर हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, उसमें से 16 बेड जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए रखे गए हैं। इमरजेंसी में भी किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। सर, यहाँ पे किसके हाथों जो है कि इस प्लान का उद्घाटन हो रहा है? माननीय विधायक सुभाष पासी जी के लड़के राहुल पासी जी ने। सर, जिस तरह से तीसरी लहर की संभावना बढ़ चुकी है और आप भी देखा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सैदपुर में यहाँ पे किस तरह की तीसरी लहर की तैयारी की गई है? सर, मैडम, तीसरी लहर की तैयारियों में जाँच पर और वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अभी हमारे यहाँ 2-2 पॉजिटिव मरीज निकलने शुरू हो गए हैं। तो 2 पॉजिटिव कल भी निकला था, 2 आज भी निकले हैं। उनके घर पे टीम गई है, उनके घर वालों की सभी की जांच कराई गई है, कॉन्टैक्ट सर्वे हुआ है उन लोगों का, कंटेनमेंट अगल बगल के 50 घरों में कंटेनमेंट सर्वे होता है वो किया गया है और कोशिश किया जा रहा है कि और कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। सर, किस तरह से लोगों को सुरक्षा बरतनी चाहिए? 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का बराबर प्रयोग करें। मेरा नाम आशु दुबे, मैं वर्तमान सैदपुर विधायक सुभाष पासी जी का प्रतिनिधि हूँ। सर, यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन किया गया? ये ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जब कोरोना की यहाँ पे लहर चल रही थी, तमाम लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। क्षेत्रीय जनता की मांग थी, हमारे वोटरों की मांग थी, नेताओं की मांग थी कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। जैसे विधायक जी के यहाँ पास ये खबर पहुंची, विधायक जी तत्काल अपने निधि से 60 लाख रुपया देके सैदपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। आज उसी का उद्घाटन है। इससे क्या जैसे पहले था कि कई लोग ऑक्सीजन के दौरान खत्म हो गए थे, बहुत सारी चीज परेशानियां आई, और इसे लगने से क्या फायदा होगा इसका? बिल्कुल फायदा होगा। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल बनारस के अंदर हो चाहे जहां भी हो, पूरे प्रदेश में धन उगाही काम करते हैं, गरीब जनता से धन उगाही काम होता है। ये ऑक्सीजन प्लांट जो लगा गया है, माननीय विधायक जी ने जनता को समर्पित किया है। यहाँ पैसे कोई नहीं, 1 रुपया की पर्ची कटे आज वो भी फ्री है। और यहाँ के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, ईमानदारी से लोगों काम करते, किसी पैसा नहीं दिया जाएगा। जो गरीब जनता हमारी पैसे के अभाव में ऑक्सीजन नहीं लगा पाती थी, मर जाती थी, उसको मरना नहीं पड़ेगा। ये फ्री में क्षेत्रीय जनता को माननीय विधायक जी ने दिया है।